सबके लिए बहुत ही बेहतर खबर निकल के आ रही। यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी खुशी की खबर निकल के आ रही, क्योंकि इस संभव से अब क्या है एनसीसी भी ले सकेंगे आप लोग। जो एनसीसी आप लोगों को हाई स्कूल इंटरमीडिएट वैकल्पिक विषय के रूप में भी इसे आप चुन सकेंगे। इससे पहले क्या होता था कि टेंथ और ट्वेल्थ के जो बच्चे थे वो चाहते तो एनसीसी ले सकते थे, नहीं चाहते तो नहीं ले सकते थे, उनके ऊपर डिपेंड था। अब आप वैकल्पिक भी लिया जा सकता है। देखिए पूरी खबर क्या है, तो आइए देखते हैं पूरी खबर क्या है। पूरी खबर क्या है इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से अच्छे देखिएगा, समझ में अच्छे बातें आएंगी आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रयागराज की तरफ से निकला हुआ है, उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के जो है संबंध में 25,000 माध्यमिक जो है कॉलेजों में पढ़े जाने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशी की खबर है। अब हाई स्कूल इंटरमीडिएट के राष्ट्रीय कैडेट कोर्स यानी एनसीसी को भी पढ़ सकेंगे। एनसीसी के वैकल्पिक विषय के शासन की मान्यता दे दी गई है, ये विद्यार्थियों पर निर्भर रहेगा, वे चाहे तो इस विषय को भी पढ़ सकते हैं। बोर्ड प्रशासन इसे लिखित परीक्षाएं 2023 से निरंतर करवाएगा। यही महत्वपूर्ण चीज़ है कि 2023 से निरंतर इसकी परीक्षाएं अब कराई जाएंगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि यूपी बोर्ड में एनसीसी एक नया विषय नहीं है, बल्कि अभी तक इसमें पढ़ाई अतिरिक्त विषयों के रूप में कराई जाती है। देखो यह पहले से भी पढ़ाई कराती जाती रहेगी है, एनसीसी की पहले से भी पढ़ाई कराती जा रही है, और मैं खुद भी एनसीसी ट्रेंडर हूँ तो इसलिए मैं आपको इस वैसे बता सकता हूँ इस चीज़ को कि एनसीसी पहले से भी कराई जा रही है, लेकिन यह वैकल्पिक विषय के रूप में 2023 में आप इसका एग्जाम भी देंगे। बहुत ही बेहतर यह ऑप्शन आपके लोगों के लिए रहेगा जो स्पेशली आर्मी आर्मी के ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं। तो बोर्ड प्रशासन ने 9 जो है फरवरी 2021 से एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में मान्यता प्रस्तावित भेज दी है। शासन ने इस संबंध में मंथन करने के बाद 7 अप्रैल को आदेश जो है आदेशित कर दिया गया। ऐसे छात्र छात्राएं जिसे इसी वर्ष में एनसीसी हाई स्कूल इंटरमीडिएट के वैकल्पिक विषय पढ़ाई जा सकती है, यानी कि इस वर्ष जो आप लोग पढ़ेंगे टेंथ या ट्वेल्थ में होंगे आप सभी एनसीसी विषय ले सकते हो इजली, ठीक है। अच्छा देखते हैं और बातें क्या इसमें लिखी गई हैं। देखिए लिखित परीक्षाएँ 2023 से होनी शुरू होंगी। असल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSI में एनसीसी की पढ़ाई होती है, उसी तर्ज पर यूपी बोर्ड से पहले कोर्स जो है तैयार किया गया और अब इसे वैकल्पिक विषय के रूप में मान्य किया गया है। इसी लिखित परीक्षा 2023 से कराई जाएंगी, वही प्रायोगिक परीक्षाएं संबंधित जो है बटालियन स्तर पर भी होगा। यानी आपको पता है जो भाई एनसीसी ट्रेनर होता है उसे बटालियन में डाला जाता है और रिपोर्टिंग सिखाई जाती है। ये समझ लीजिए काफ़ी बेहतर ये सिस्टम होता है, जो बच्चे लगन से जाना चाहते हैं आर्मी में उनके लिए काफ़ी बेहतर ये ऑप्शन रहता है। हाई स्कूल में 6 विषय वैकल्पिक हो जाएंगे आपके, ठीक है, 6 विषय आपके हो जाएंगे वैकल्पिक। शासन ने हाई स्कूल में सिर्फ जो है एनसीसी ही नहीं 6 विषयों को वैकल्पिक रूप में मान्यता दी है, मान्य किया है। इससे जो है प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन जो है आपदान प्रबंधन यानी सोलर सिस्टम, रिपोर्टर्स, मोबाइल रिपेयरिंग व एनसीसी शामिल है। आप देख सकते हैं कि इतने विकल्प में आपके जो 6 विषय आपके रहेंगे उसमें से इतना चीज आप चाहिए अपने इच्छा अनुसार जो वैकल्पिक विषय चाहते हैं तो आप लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आप प्लम्बर का भी कोर्स करते हैं, इलेक्ट्रीशियन भी कर सकते हैं, आपदान प्रबंधक का भी है, सोलर सिस्टम ऑपरेटर का भी, रिपेयरिंग का भी यूज कर सकते हैं आप, इसको भी पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग की भी, एनसीसी की भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये अनदर विषय को लेकर के 6 विषयों में आपका यह भी एक श्रेष्ठ रहेगा, ठीक। यानी अब इस आप कक्षा में छात्र छात्राएं हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान के साथ 6 विषय में से एक भी विषय चुन सकते हैं। यह कदम छात्र छात्राओं के एनसीसी प्रति ललक जगाने के लिए किया गया है। देखो कई बच्चे ऐसे थे जो एनसीसी में जाना नहीं चाहते हैं, जो बच्चे देश के लिए कम से कम कुछ नहीं तो कुछ आर्मी के ट्रेनिंग में, पता है कि कितने लोग ऐसे आर्मी की ट्रेनिंग में लगातार जाते हैं तो आर्मी में नहीं जाना चाहते हैं, तो उनका एम बनना चाहिए। इसीलिए सरकार ने यह पहल की है, कोशिश देखिए कितना सहज रहता है, यह आप लोगों के ऊपर निर्भर रहेगा। अच्छा इंटरमीडिएट में क्या चीज़ें हैं इसको भी दे सकते हैं। इंटरमीडिएट में जो है मानविक वर्ग जो है वर्गों में कैसा मौका रहेगा इसके बारे में देखते हैं। इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले विज्ञान व कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं में एनसीसी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, यह बहुत ही दुखनीय स्थिति है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं वो आगे जाकर भी कर सकते हैं कोर्स। एक रीजन क्या है यह भी मैं बता दूं, सरकार का रीजन ये था क्योंकि जो बच्चे साइंस जो मैथ लेते हैं, विज्ञान वर्ग के रहते हैं और कॉमर्स वर्ग के रहते हैं, थोड़ा उन पर वो लोड जोड़ा ज़्यादा रहता है और एनसीसी थोड़ा फ्री माइंड मांगती है, तो थोड़ा सा समझ सकते हो इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कॉमर्शियली। बाकी समझदारी जो भी आपकी रहेगी वो लगातार बताई ही जाएगी। सिर्फ जो है मानवीकृत यानी कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एनसीसी वैकल्पिक रूप में चुने जाने चाहिए। इसके अलावा 17 जो है अन्य विषयों को भी
वैकल्पिक रूप में शामिल किया गया है इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में। ठीक है, तो ये पूरी खबर आप लोगों को मैंने बताई अच्छे तरीके से, पूरी खबर क्या थी। और ये जो खबर आज निकल के आ रही, ये किसी दिन दूसरे दिन का नहीं है, ये आज ही की खबर है। आप देख सकते हैं कि आज ही की खबर है, 14 मई 2021 की खबर है, 7:30 AM पे यह खबर प्रिंट हुई। तो ये पूरा रियल चीज़ है, इसमें कोई फेक नहीं है, पूरी की पूरी बातें रियल बताई गई हैं कि क्या क्या हाई स्कूल के लिए, क्या इंटर के लिए, क्या मानवीय है, पूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हाँ, थोड़ा कि ये बात है कि भाई विज्ञान वर्ग और कॉमर्स वर्ग के लिए NCERT नहीं है, फिर 12th वाले बच्चों के लिए, लेकिन यह है कि उनके लिए भी महत्वपूर्ण चीज़ें रहेंगी। ऐसे ही लगातार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए।